और अब खास हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार लगे हुए हैं कि टैली में अपडेशन को लेकर सीधे जाएं। भूपेंद्र यादव एंड मेनी आर कमिंग, सो यस एनी बी प्लान और प्रोबब्ली दे आर प्रिपेयरिंग फॉर ईडी आईटी सीबीआई। सर एक जरूरी सवाल, विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर कई आप लोगों ने भी सवाल उठाए, हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर किस तरह से देख रहे सिचुएशन को, कैसे आप लोग नजर बनाए हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों की तैयारियां कि इस बार जो है वो ना हो जो पिछली बार हुआ था सरकार बनने के बाद? आप पूरा पूरा एहतियात बरत रहे। क्या कांग्रेस विधायकों को कहा गया है जीत के बाद सीधे सर भोपाल आए? निश्चित सर्टिफिकेट के साथ। सर बिकने वालों पे नजर रखी है आपने? बिकने वालों पे नजर रखी है? जैसे पिछली बार हो चुका था आपके साथ, आपके अपने विश्वासी लोग थे। अब ऐसा है कि कौन कब कि कब बिक जाए ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अब उस तरह के लोग हमारे पास नहीं है। सर ज्योतिरादित्य सिंधिया कितना बड़ा फैक्टर होने वाला, क्योंकि पिछली बार आप लोगों के साथ थे, इस बार दूसरे उसमें ग्वालियर चंबल संभाग में ही वो फैक्टर, नहीं तो और कहाँ होंगे? कितनी सीटें सर लग रही हैं कि? मैं तो पहले भी कहता रहा, आज भी कहता हूँ 130 प्लस। सर निर्दलीय और बागियों से बातचीत है आप लोगों की? देखिए ऐसा है, हम तो 130 सीटें लेके आ रहे हैं, बाकी जो होगा सो देखिए। शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है क्योंकि वो जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं लगातार, उनके बयान ना केवल विदाई तय है लेकिन अब उनके